हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मेघालय के बारे में कुछ कही अनकही सुनी अनसुनी मजेदार बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करें। मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेघों का आलय यानी बादलों का घर, इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। इस राज्य में अनेक गुफाएं, पर्वत शिखर, बाग, झील, रिसॉर्ट्स और ढेरों जलप्रपात या वॉटरफॉल है। ये वो जगह है जहां पर सफेद शुभ्र धवल मेघ बड़े प्यार से हरी भरी वादियों की गोद में आकर बस जाते हैं। किसी भी स्टेट का इतना यथार्थ नाम शायद ही होगा। यहाँ की तीन मूल निवासी प्रजातियां हैं, जिनके नाम है खासी, गारो और दंतिया। मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जो 1970 के पहले आसाम का हिस्सा हुआ करता था। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मेघालय का वेदर पूरे साल सुहाना होता है। यहाँ का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री होता है, यानी पूरे साल एसी विदाउट एसी। मेघालय मातृसत्ता पद्धति को मानता है, यानी महिला यहाँ के घर की प्रमुख होती है। गारो जनजाति की एक प्रथा के अनुसार घर में सबसे छोटा दामाद शादी के बाद अपने पत्नी के घर में बस जाता है, यानी घर जमाई बन जाता है। पत्नी अपना सरनेम लगाती है, पति अपना सरनेम लगाता है, लेकिन जब संतान होती है तो वह अपनी मां का सरनेम लगाता है। 18वीं सदी तक यहाँ की जनजातियां अपनी अपनी भाषा में बोलते थे पर लिख नहीं पाते थे, यानी इनकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। 18वीं सदी में थॉमस जॉन्स ने इंग्लिश में खासी भाषा को लिपिबद्ध किया। थॉमस जॉन्स को फाउंडिंग फादर ऑफ खासी अल्फाबेट्स कहा जाता है। चलिए आपको खासी जनजाति में प्रचलित एक दंत कथा सुनाता हूं। सर्वव्यापी परमात्मा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसने इंसानों की 16 जोड़ियां बनाई। परमात्मा ने इन जोड़ियों को स्वर्ग में रखा। बाद में परमात्मा ने एक सुंदर छोटे ग्रह का निर्माण किया, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर आते जाते रहते थे। एक दिन स्वर्ग में बसे इंसानों ने भगवान से पृथ्वी पर जाने की इजाजत मांगी। तब भगवान ने 7 जोड़ियों को पृथ्वी पर आने की इजाजत दी। इसी लोग मानते हैं कि यह 7 जोड़ियां उनकी थी और वे इस धरती के मूल रहवासी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो खासी डीएनए 70,000 साल पुराना होने का सबूत देता है, जो कि आर्यंस इस प्रदेश में आने के पहले का समय है। इस बात से ऐसा माना जा सकता है कि ये यहाँ के मूल निवासी है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर एक नई जगह, नई कहानी और नए माहौल में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू। बाय बाय।